असलम एवरी एवरीवन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं हेयर ब्रेकेज हो रही है बाल बहुत डल ड्राई और स्प्लिट एंड्स भी हो रहे हैं और अगर आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को डबल करना है सो दिस वीडियो इज फॉर यू इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिनको फॉलो करके अपने बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ये बहुत ही छोटे चेंजेस होंगे जो आपने डेली हेयर केयर रूटीन में लाने हैं बट बिलीव मी दीज विल गिव यू अ ड्रास्टिक चेंज इन योर हेयर सो लेट्स सी वट दे आर ओके सो आई थिंक के हेयर केयर में हमें रीग्रोइंग से ज़्यादा डैमेजिंग पर ध्यान देना चाहिए तो जिसके लिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने अपने हेयर ब्रश और कॉम्स को चेंज करना है ठीक है दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज़ अगर आपके बाल यू नो गिर रहेंगे डैमेज होंगे हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते रहेंगे तो अगर आप ऑयल लगाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना सो so, मैं आपको ब्रश दिखा रही हूँ ये ब्रश है इसमें ये प्लास्टिक के इसके ब्रसेज हैं बट बहुत ज़्यादा शार्प हैं और ये लिटरली सर में लगता है और इसमें ना एक स्टील ब्रसेज आते हैं वो इतने ज़्यादा शार्प होते हैं और लिट्रली सर में ना जख़म हो जाते हैं उससे इसके बजाय आप लोगों ने क्या करना है? एक वुडन हेयर ब्रश ले लेना ठीक है ये मेरा टूटा हुआ था क्योंकि मैंने ना इसको शुरू में एक दो बार धो दिया था तो जिसकी वजह से इसके जो अंदर से जो फोम लगा है ना काफ़ी सॉफ्ट हो गया था तो उसकी वजह से टूट गया लेकिन ये अभी भी सही काम करते हैं और अगर आप पास कॉम्स हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं बट मेरे बाल क्योंकि अलहमद बहुत ज़्यादा थिक हैं तो वो वो ब्रश ही उस पर काम होता है तो मैंने ये ब्रश लिया और आपने क्या करना है कि रात को ना सोने से पहले ब्रश करने के बाद अच्छे से पाँच से दस मिनट अच्छे से ब्रश करने के बाद ऐसे ना जैसे मैंने अभी आपको सर्कुलर मोशन में दिखाया ना इससे आपने अपने स्कैल्प को मसाज करना है इस वुडन हेयर ब्रश से बिलीव मी ये टिप फॉलो करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे बिकॉज आपके स्कैल्प की सर्कुलेशन इंक्रीज होती है आई डोंट नो वाई बट दिस टिप इज़ सो अंडर बिकॉज यार ये इतनी ज़बरदस्त टिप है ना आप लोगों ने क्या करना है कोकोनट ऑयल लेना है कोकोनट ऑयल बहुत लोग कहते हैं कि हेयर प्रोसिटी के हिसाब से आपने यूज़ नहीं करना चाहिए बट आई डोंट बिलीव इन हेयर प्रोसिटी बिकॉज आई थिंक एंशियन टाइम्स में कोई नहीं हेयर प्रोसटी को जानते थे दे यूज़ टू यूज़ ऑल द ऑयल्स अच्छा तो टिप की तरफ आते हैं तो आपने क्या करना है कोकोनट ऑयल के टू टू थ्री ड्रॉप्स या वन ड्रॉप ले सकते हैं अगर आपके बॉल एक्सट्रीमली ऑयली है आपने क्या करना है इसको अच्छे से गर्म करना है मतलब तो अपने हाथ में ना पास में अच्छे से इसको एक्टिव करना है उसके बाद आपने क्या करना है अपने जो लेंस है ना बालों के उन पर इसको अच्छे से लगाना है रोज़ रात को आप क्योंकि मेरे बाल एक्सट्रीमली ड्राई हैं लाइक अपने आप स्किन को रोज़ मॉइस्चराइज़ करते हैं ऐसे अगर आप अपने रोज़ बालों को मॉइस्चराइज करेंगे आपके लेंस इतनी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे ना कि आप लोग लिटरली मुझे दुआएं देंगे ये टिप भी मैंने किसी से सुनी थी बट जब से मैंने ये यूज़ करनी शुरू हुई है दिस टिप हैज़ लिटरली चेंज माई लाइफ बहुत अमेजिंग ट्रिप है आप इसको ज़रूर मतलब एक वीक ही सिर्फ करके देखें अगर आपके बाल ऑयली है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें बट मेरे बाल तो सुपर डुपर ड्राई हैं तो मेरे लिए तो ये टेप फिर काम कर जाती है और इससे जो स्पिटेंट का इश्यू होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और बाल बाल जो हैं वो काफ़ी डल डैमेज ड्राई बिल्कुल भी नहीं लगती और बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी लगती हैं सो यू नीड टू ट्राई दिस टेप ओके okay, सो so उसके बाद शैम्पू एक हमारे हेयर केयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिकॉज़ एल डीनो के शैम्पू में बेहद केमिकल्स होते हैं सो आई हैव दिस टू शैम्पूस ठीक है मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया एंड विच हैज़ चेंज माय हेयर केयर गेम सबसे पहले ये लाइवो का शैम्पू है दोनों पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं ठीक है इसके अंदर है सल्फ़ेट ठीक है दो तरह के सल्फ़ेट के केमिकल्स होते हैं जो कि इसके अंदर हैं और ये आपको मैं पढ़ के एक इंग्रेडिएंट्स में भी दिखा रहा हूँ तो ये शैम्पू मैं सल्फ़ेट के शैम्पू में अपनी पूरी ज़िंदगी यूज़ करते आ रही हूँ बिकॉज़ मुझे नहीं इतना अंदाज़ा था कि यार ये क्या होता है वगैरह वगैरह ठीक है और उसके बाद ये मैंने मेखले का शैम्पू अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कही थी कि सल्फ़ेट फ्री शैम्पू रीज़नेबल प्राइस में मिले तो फिर मुझे मेखले मिला दिस इज़ आई गेस द एग्जैक्ट ग्रूब ऑफ सनसिल्ड विद नो सल्फ़ेट इसके इंग्रीडियंट्स में बिल्कुल भी सल्फेट नहीं लिखा हुआ विच इज़ अ सो नाइस थिंग अब सल्फेट एंड नॉन सल्फ़ेट वट इज़ दिस ठीक है अगर आपके बाल बहुत 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 ज़्यादा ऑयली है तो आपने सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करना है क्यों क्योंकि उससे जो आपका ऑयल है ना वो अच्छे से हट जाता है जो आपके बालों का ऑयल और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है बट अगर ड्राई स्कैल्प वाले सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करेंगे तो जो उनके बालों का नेचुरल ऑयल होता है जो उनके हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करता है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से बाल ड्राई एक्सट्रीम डैंड्रफ और इवेंचुअली हेयर फॉल हो जाती है इसलिए हमें सल्फ़ेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए बिकॉज़ विद टाइम अगर सल्फ़ेट शैम्पू हम यूज़ करें तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं यही मेरे साथ हो रहा था मेरे बाल बहुत ख़राब हो चुके थे फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की मुझे इस पॉइंट के बारे में पता चला और मैंने अब सल्फ़ेट शैम्पू पर शूज किया एंड बिलीव मी इट्स लिटरली अ गेम चेंजर सो मेक श्योर कि आप अपने बालों की टाइप को देखें एंड देन उस हिसाब से अपने शैम्पू लें आप अपने हेयर पे किस टाइप की एक्सेसरीज़ यूज़ करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जैसे कि ये ब्लैक पोनी है ये बहुत ज़्यादा लोग अभी भी यूज़ करते हैं और इवन हाई पोनी टाइट पोनी बनाने में यूज़ करते हैं बेशक ये स्ट्रैची होती है बट जब आप इसको उतारते हैं आपके तीन से चार बाल गिरते रहते हैं और बाल बहुत ज़्यादा पुल होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत वीक हो जाते हैं और इवेंचुअली जब आप नहाते हैं या तेल लगाते हैं तो वो गिरते हैं और आपको लगता है कि यार नहाने की वजह से या तेल लगाने की वजह से बट ये खींचने की वजह से होता है जो कि वो बहुत ज़्यादा आपके बाल वीक हो जाते हैं ठीक है उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्क्रंचिज uh, यूज़ करें ठीक है ये मेरे पास स्क्रंचज़ हैं और ये सारी मैंने खुद घर में बनाई हुई हैं बहुत इजी होता है स्क्रंची बनाना बिलीव मी बहुत ज़्यादा मैंने स्क्रंचीज़ बनाई हैं और ये दो तीन सिल्क की हैं दो तीन सॉफ्ट कॉटन के क्लोथ की हैं बट बिलीव मी इतनी स्मूथली आपके बालों से उतरती है ना कि एक बाल भी नहीं टूटता और पता भी नहीं चलता कि आपने यू नो कोई उतारा हुआ कोई मतलब कोई स्क्रंची या कोई पोनी उतारी है सो मेक श्योर आप अपनी हेयर जो आप अपनी टाइज लगाते हैं उनको देखें और स्विच करें एक सिल्क स्क्रंची पर आई थिंक कि अगर आपने अपने बालों की हेयर ग्रोथ को डबल ट्रिपल करना है तो आप लोगों के लिए हेयर मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोग हेयर मसाज नहीं करते बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कुछ लोगों के बाल एक स्टेप पे आके रुक जाते हैं और वो उसके आगे नहीं ग्रो करते नो मैटर कितने सालों तक वो ऑयलिंग करते रहे ठीक है इसका रीज़न ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्केल्प पर नहीं हो रही होती ठीक है आप लोगों ने कुछ लोगों के देखा होंगे कमर के जो एंड तक होते हैं ना वहाँ तक बाल होते हैं उसके आगे ग्रो बहुत कम लोगों के होते हैं ये होता है स्कैल्प मसाज से उसके लिए स्कैल्प मसाजर है जो कि मैंने दर से ऑर्डर किया था बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे बट अगर आप नहीं ऑर्डर करना चाहते जो मैंने आपको वुडन ब्रश दिखाया था उससे भी स्कैल्प कर सकते हैं वो भी नहीं है वैसे वो तो आपको लेना है बट आप अपने टिप से भी कर सकते हैं आपने एटलीस्ट रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल लगाने के बाद टेन टू फिफ्टीन मिनट्स अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना है मसाज करने अपने हेयर फॉलिकल्स को तोड़ना नहीं है ठीक है जैसे मसाज करना तेज तेज चम्पी वैसे नहीं करना अपने स्कैल्प को अच्छे से आपने मूव करना जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो गया बिलीव में अगर आप ये थ्री से फोर मंथ्स करेंगे ना आप लोग अपने हेयर हेल्थ में डिफरेंस नजर आएगा आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो होंगे और आप चाहें तो यूट्यूब पर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हेयर मसाज मैटर करता है एक और टिप जो कि कुछ टाइम पहले मैंने अपनी हेयर केयर जर्नी में लर्न की थी कि आप लोगों ने शैम्पू किस वे में लगाना है ठीक है शैम्पू आपने अपने हेयर टाइप के मुताबिक ले लिया बट स्टिल उसमें बेशक सल्फेट ना बट स्टिल उसमें केमिकल्स तो होते ही हैं आपने ये करना है जैसे आई हैव दिस स्मेकलर शैम्पू इसको आपने किसी भी बॉटल या ग्लास में डाल लेना है मैंने बहुत थोड़ा सा मतलब आई गेस हाफ टेबल स्पून भी नहीं हो बल्कि हाफ टेबल स्पून शैम्पू होगा ठीक है उसके बाद इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है इसको अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से इस शैम्पू को डाइल्यूट करना है पानी में सबसे पहले इससे शैम्पू आपके पूरे स्केल पे इवनली स्प्रेड होगा और एक जगह पे नहीं रहेगा और इससे जो है वो आपकी बचत भी होगी बिकॉज इस तरीके से शैम्पू कम से कम तीन से चार महीने अगर मैं अकेले यूज़ करूँ तो आराम से चल जाता है ठीक है और उसके बाद क्या होता है जब फिर आप इसको डाइल्यूट करते ना शैम्पू बहुत कम लगता है जिससे ऑफकोर्स केमिकल्स का असर हमारे बालों पर कम होता है और इससे आप दो से तीन बार लगा सकते हैं बट बिलीव मी दिस हैक ऑल्सो चेंजेज़ द लाइफ और मेक श्योर कि आप सब अपने ल्प को वॉश करें नेवर एवर वॉश योर एंड्स दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टिप ओके सो लास्ट टेप फॉर फ्रिजी हेयर गर्लीस कि आप लोग जो हैं वो सिल्क पिलो केस पे स्विच कर जाएं बिकॉज इससे जो है बालों में फ्रिक्शन बहुत कम क्रिएट होती है मेक श्योर sure कि आप ब्रेड्स बनाकर सोएं इससे बालों में फ्रिक्शन बहुत कम क्रिएट होती है बाल फ्रिजी नहीं होते और इससे एंड्स भी नहीं होते और बाल ड्राई और डैमेज भी नहीं होते और आप ऑफ़ कोर्स कोकोनट ऑयल जब लगाकर सोएंगे हल्का सा हैंड्स पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट ये एक साथ मिल के ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एंड ये चीज़ मैंने सीखी अपनी बुक हैबिट से मेरी बुक नहीं है बट मैं वो रिसेंटली रीड कर रही हूँ एंड बिलीव वी बहुत अमेजिंग बुक है मैं आपको वो भी रिकमेंड कर रही हूँ बट ये छोटे से चेंजेस से जो अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करके अपने बालों को बहुत ज़्यादा अमेजिंग कर सकते हैं अच्छा बाय द वे पीछे की आवाज़ें बिल्कुल एक डॉन करिएगा बिकॉज मैं छत पर आकर वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा नॉइस है यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अलाफे